तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है और समझाया है कि अगर आप ये बाइक ख़रीदने वाले हैं और आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं तो आपको ये बाइक नहीं ख़रीदनी चाहिए। क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए, उसका मैं आपको आज रीज़न बताने वाला हूँ। जैसा कि बाइक आप देख सकते हैं, होंडा SP125। तो ख़राब रास्तों में यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी बाइक जो है कितना चली है, तो इतना जो है अपनी बाइक चल चुकी है और बाइक को ख़रीद कर लगभग 4.5 से 5 महीना भी हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसा कि बाइक जो है ख़राब रास्तों में यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है फ्रंट का वाइज़र और ये डिजिटल मीटर का ये पार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी फाइबर मटेरियल है, ये जो है गड्ढे में जाने के बाद पूरा हिलने लगा है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि गड्ढों में बहुत ज़्यादा ही अगर ख़राब रास्ते हैं तो इस बाइक का हैंडल हिलने लगता है। तो उस वजह से ये भी जो है थोड़ा सा ढीला हो गया है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये हिलने लगा है और थोड़ा बहुत आवाज़ भी करने लगा है। तो इसको आप जो है एक बार हर जगह से देख लो, आप ही आपसे देख सकते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा हिलने लगा है। जब भी बाइक जो है गड्ढे में जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में यूज़ करने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये जो है पूरा हिलने लगता है। अभी जो है मैं आपको यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को भी पता है। ये जो है पूरा हिलता है, तो गड्ढों में यूज़ करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है। और इसी वजह से मैं बहुत सारे वीडियो में कह भी चुका हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं तो वहाँ पर ये बाइक जो है बेटर ऑप्शन नहीं है। ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और हम जो है सोचते हैं कि इसको हम प्यार से यूज़ करेंगे, ऐसा यूज़ करेंगे, वैसा यूज़ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हमारे अंदर का जो कीड़ा है वो हमें जो है बाइक प्यार से नहीं चलाने देता, क्योंकि खुद मैंने भी ये सोच रखा था कि इस बाइक को मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से यूज़ करूँगा, जहाँ पर खड्डे वगैरह है वहाँ पर भी जो है आराम से चलाऊँगा, लेकिन हर टाइम जो है इस बात पर हम ध्यान नहीं देते, ऐसा हम नहीं करते। तो इस गलती की वजह से ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो ये बाइक इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है खड्डे वाले रास्ते में यूज़ करने के लिए इतना बेटर ऑप्शन नहीं है, ये जो है काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकती है। जैसा कि आप सीन यहाँ पे देख सकती है, जो है पूरा पार्ट हिलने लगता है जब बाइक गड्ढे में जाती है, थोड़ा सा ख़राब रास्ते में जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ करने लगता है। तो इस बाइक में जो है फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ हुआ है और ये बाइक जो है ख़राब रास्तों में यूज़ करने के लिए बनाई भी नहीं गई, लेकिन हर किसी के यहाँ पे तो अच्छे रास्ते होते नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ सीन आपके साथ हो सकता है। तो ये जो है काफ़ी गलत लगता है। अभी जो है बाइक को ख़रीद कर ज़्यादा दिन नहीं हुए, हाँ ये इतना ज़्यादा भी नहीं हिलता कि ये गिर जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हिले तो बुरा तो लगता है। तो वही सीन है, तो हम सोच तो लेते हैं कि बाइक को प्यार से यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन खड्डे वगैरह में हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बाइक को जो है प्यार से नहीं चलाते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है। और अभी जो है पर्सनली मुझे काफ़ी गलत लग रहा है कि बाइक की तरफ जो है मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो 3000 से ऊपर अपनी बाइक चल चुकी है और इतनी जल्दी ये हाल हो गया। तो आप देख लो यार, अगर आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं तो बिल्कुल आप ये बाइक मत ख़रीदना, मेरे हिसाब से तो मत ही ख़रीदना, क्योंकि जो है प्यार से यूज़ हम नहीं कर पाते। अगर हम यंग है तो थोड़ा सा तो जो है हमारे अंदर मस्ती तो होती है, तो वो जो है उस वजह से हम बाइक को थोड़ा सा तकलीफ दे देते हैं। तो एक बार जो है ये पार्ट ढीला हो गया तो इसको फिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी इसमें जो है स्क्रू वगैरह नहीं है जिसको टाइट कर हम इसको फिट कर ले, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ये साइड के जो है दो स्क्रू है, लेकिन उससे इसको जो है फिट नहीं किया जा सकता। ये जो चीज़ें हिलती है, ये जो पूरा पार्ट हिलता है, तो उसको जो है फिट करने के लिए कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं है। जैसा कि मैंने शोरूम पे भी इसको दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि खड्डे वगैरह में आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा, तो आप अच्छे रास्तों में इसको यूज़ करो। तो जो है हम खुद से तो रास्ते नहीं बना सकते, तो देख लो यार, अगर आपके यहाँ पे भी जो है ख़राब रास्ते और आप ये बाइक ख़रीदने वाले हैं तो ऐसा कुछ सीन आपके साथ हो सकता है। तो अगर आप जो है बहुत ही केयरिंग बंदे, यानी कि आप अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हैं, तो तब तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप जो है थोड़ा सा मेरी तरह केयरलेस बन जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बाइक में जो है ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो आप अभी देख सकते हैं, इतना जो है इस टाइम पर नहीं हिलता, लेकिन खड्डे में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है।
ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस बात पर आप जो है पहले से ध्यान देना और सोच समझ कर अपना जो है डिसीजन ले लेना। तो बाइक जो है बाकी चीज़ें ख़राब नहीं है, बाइक में जो है ज़्यादा कुछ ख़राबी नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हर बाइक में होते हैं, लेकिन प्लास्टिक का मटेरियल यानी कि फाइबर वगैरह इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ है और वो जो है खड्डे वाले रास्तों में ऐसा कुछ सीन तैयार कर सकता है, तो इस बात पर ध्यान देना, ज़रूर से ध्यान देना। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो और मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल हो ही जाएगी, आपके कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर आ जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये जो बॉडी पार्ट है यानी कि अगर आप यहाँ पर जो है इसकी केयर करते हैं, खड्डे वगैरह में प्यार से चलाते तो आपको जो है कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है थोड़ा सा भी अगर केयरलेस हो जाते हैं मेरी तरह, कभी कभी जो है खड्डे में से बाइक जो है बहुत ज़्यादा भगाते, बाइक को थोड़ी बहुत तकलीफ देते, तो तब आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्यार से यूज़ करो तो आपको जो है कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वजह से बाइक ख़राब नहीं हो जाती है। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।